दोस्तों इस फिल्म के आधे भाग में सिर्फ ये दिखाया जाता है कि पार्थिबन यानी अजय सर क्या करते हैं और वो कौन हैं, लेकिन इसके दूसरे भाग की पूरी कहानी इसी चीज को साबित करने में निकल जाती है कि पार्थिबन ही लियो है। और इस चक्कर में पार्थिबन सभी माफिया गैंग का सफाया कर देता है, क्योंकि पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ खुश था। वो जान गया था कि बेकार की मारकाट में कुछ नहीं रखा है, यहाँ तक कि ये सब करने पर इंसान चैन से सो भी नहीं सकता। फिर लियो की जिंदगी जीने से क्या फायदा, और यदि उसे परिवार के साथ जीना है तो माफिया की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अब लियो मर चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत में कुछ सड़क छाप गुंडे कलेक्टर के घर में घुस जाते हैं, जो कलेक्टर समेत उस घर के सभी सदस्यों को मार देते हैं। और फिर इस काम की पेमेंट के लिए ये लोग फोन पर किसी से बात करते हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिलती। और इन बदमाशों में से एक सनकी टाइप का है, जिसने एक पिस्टल को कलेक्टर के घर से ही चुरा लिया था और अब वो किसी को भी मार देता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के किसी शहर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हर तरफ भगदड़ मची हुई है, क्योंकि इन लोगों के यहाँ एक हाइना यानी लकड़बग्घा घुस आया है। और इस लकड़बग्घे ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था, क्योंकि इसने यहाँ पर कई लोगों को घायल भी कर दिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर जोशी को दिखाया जाता है, और जब जोशी लोकेशन पर पहुँचता है तो वो समझ जाता है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, जिसे अब एक ही आदमी संभाल सकता है, जिसका नाम था पार्थिबन यानी हमारे हीरो विजय सर। इसीलिए अब जोशी पार्थिबन को कॉल करके वहाँ के हालात के बारे में बताता है कि अगर तुम यहाँ पर जल्द से जल्द नहीं पहुँचे तो वो कई और लोगों को घायल कर देगा। हालांकि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। अब पार्थिबन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और जोशी को बताता है कि लकड़बग्घे बहुत ही खतरनाक होते हैं, और अगर इन्हें परेशान करो तो वो और भी गुस्सैल हो जाते हैं, और लकड़बग्घे झुंड में ही रहते हैं। ये गलती से यहाँ पर आ गया है, हमें इसे जिंदा ही पकड़ना होगा। अब पार्थिबन का बेटा यानी सिद्धार्थ भी साथ में आने के लिए कहता है, मगर पार्थिबन उसे गाड़ी में ही बैठने को कहता है। अब जोशी पार्थिबन के साथ उस लकड़बग्घे को पकड़ने का प्लान बना ही रहा था कि तभी लकड़बग्घा स्कूल की तरफ पहुंच जाता है, इसलिए पार्थिबन वहां जाकर उस लकड़बग्घे को निशाने पर ले आता है, ताकि जोशी उसे बेहोश करने के लिए दूर से ही शूट कर सके। लेकिन वो बंदूक काम नहीं करती, और इस बात का सिद्धार्थ को भी पता चल जाता है, इसलिए अब सिद्धार्थ जेवलिन यानी एक तरह का भाला अपने पिता को देता है, जिसमें पहले से ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया था। लेकिन लकड़बग्घा उस भाले को भी तोड़ देता है, लेकिन उसमें लगा इंजेक्शन अभी भी ठीक था, और फिर पार्थिबन उसी इंजेक्शन से लकड़बग्घे को बेहोश कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से पार्थिबन ने अपने शहर को लकड़बग्घे से बचा लिया था। और अब पता चलता है कि पार्थिबन चेन्नई से आया है, जो कि एनिमल रेस्क्यू का काम भी करता है, और पार्थिबन एक कॉफी शॉप भी चलाता है। दोस्तों पार्थिबन इस शहर में अपनी बीवी सत्या और अपने दो बच्चे सिद्धार्थ और चिंटू के साथ रहता था, और पार्थिबन अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता था। और इस तरफ दिखाया जाता है जिन लोगों ने कलेक्टर को मारा था, उनके पोस्टर पूरे शहर में छप चुके हैं, जिसकी वजह से ये सभी गुंडे लोगों से छिपते छिपाते हुए इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि जिसके कहने पर इन्होंने कलेक्टर को मारा था उसने ही इन सबकी फोटो पुलिस वालों को दे दी थी। और अब इन लोगों के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। और इस तरफ दिखाया जाता है कि पार्थिबन ने उस लकड़बग्घे को फ्रेंडली बना लिया था और उसे अपने पूरे परिवार से भी मिलवाता है। और उधर इन गुंडों को पैसों की जरूरत थी, तो इस वजह से एक बदमाश पार्थिबन के ही कॉफी शॉप में घुसा चला आता है, जो जबरदस्ती पार्थिबन को चॉकलेट कॉफी लाने के लिए कहता है। लेकिन उस दिन वहाँ पर काम करने वाली श्रुति की भी किस्मत खराब थी, वो भी उसी समय आ जाती है और वो गुंडा श्रुति को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब पार्थिबन पहले उसे कुछ पैसे देता है, उधर वो बाकी के चार गुंडे भी अंदर चले आते हैं। अब पार्थिबन चॉकलेट कॉफी लेकर आता है, मगर वो बदमाश श्रुति के साथ में बदतमीजी पर उतर आया था, इसलिए पार्थिबन का पारा गर्म हो जाता है और उन सभी की अच्छे से धुनाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर पार्थिबन किसी को जान से नहीं मारना चाहता था, मगर जब बात पार्थिबन की बेटी पर आ जाती है तो फिर पार्थिबन कुछ नहीं सोचता और उन्हीं की गन से इन पांचों को शूट कर देता है। पार्थिबन का निशाना इतना सटीक था कि मानो जैसे कि उसने इन सब की पहले से ही ट्रेनिंग ले रखी हो। अब पार्थिबन को जेल हो जाती है, लेकिन कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि पार्थिबन ने जो कुछ भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया, तो इस वजह से पार्थिबन को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जब पार्थिबन कोर्ट से बाहर आता है तो पार्थिबन सभी मीडिया वालों से अपना मुंह एक छतरी से छुपा लेता है, मानो जैसे कि पार्थिबन को कोई पहचान न ले कि असल में वो कौन है। लेकिन फिर भी पार्थिबन की एक फोटो किसी को मिल ही जाती है, और पार्थिबन की यही फोटो शहर के सभी गैंगस्टरों के पास पहुंच जाती है। इधर पार्थिबन अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर इतना सतर्क हो गया था कि पानी की एक बूंद भी गिरे तो पार्थिबन चौकन्ना हो जाता था, यानी अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में पार्थिबन को पता चल गया था। अब काफी दिनों तक घर में घुस के रहने से पार्थिबन की फैमिली बोर हो रही थी, इसलिए अब पार्थिबन सभी को घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन उसी समय जोशी पार्थिबन को फोन पर कहता है कि कुछ गुंडे मारने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम वहां से निकलो।
लेकिन तभी गुंडे पार्थिबन को पकड़ लेते हैं, जिससे कि वहां काफी देर तक लड़ाई होती है। दरअसल जिन लोगों को पार्थिबन ने कैफे में मारा था, ये उन्हीं लोगों के सगे संबंधी थे। लेकिन जब पार्थिबन भी घायल हो जाता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और फिर पार्थिबन इन लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। पार्थिबन का इतना गुस्सा देखकर गुंडों को वहां से भागना ही पड़ता है। अब घर वालों की सिक्योरिटी की वजह से पार्थिबन जज से रिक्वेस्ट करके अपने घर एक गार्ड को भी रखवा लेता है, जो देखने में कुछ खास नहीं लगता। अब पार्थिबन अपने कैफे की मरम्मत करवा रहा था तो उसी दौरान एक आदमी पार्थिबन की फोटो खींचकर कहीं भेज देता है। अब ये खबर सीधा चेन्नई पहुंच जाती है, क्योंकि वहां बहुत से ऐसे गुंडे हैं जो पार्थिबन को काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन्हें पार्थिबन की नहीं बल्कि लियो की तलाश है, जो कि 20 साल पहले मर चुका है। लेकिन जब हैरोल्ड नाम का ये गुंडा पार्थिबन की फोटो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर लियो अभी तक जिंदा कैसे है। और इसी बात को हैरोल्ड अपने बड़े भाई एंटोनी को भी बताता है। जब एक आदमी एंटोनी से पूछता है कि उसे मारने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे, तो एंटोनी कहता है कि अगर वो पार्थिबन है तो 4 ही आदमी काफी हैं, लेकिन अगर वो लियो है तो 400 भी कम पड़ेंगे। तो इस वजह से एंटोनी काफी लोगों को लेकर चल देता है। और उधर पार्थिबन आने वाली मुसीबत को देखते हुए हथियारों को तैयार कर रहा था और इन गुंडों के लिए जाल बिछा रहा था। अब एंटोनी सीधे पार्थिबन के कैफे में पहुंच जाता है और अब एंटोनी उसे हर बात में कहता है कि तू लियो है, और पार्थिबन उसे हर बार समझाता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। लेकिन एंटोनी समझ गया था कि ये लियो ही है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन अब पार्थिबन के घर वाले भी एंटोनी के बारे में जानना चाहते थे, तो इस वजह से जोशी को घर पर बुलाया जाता है, जो एंटोनी और उसके भाई हैरोल्ड की कहानी को बताता है कि सालों पहले चेन्नई में एंटोनी और हैरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी। लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी आग में लियो भी जलकर मर गया था। तो अब उन चेन्नई वालों गुंडों के लिए लियो तुम हो, क्योंकि पार्थिबन और लियो की शक्ल एकदम मिलती थी। वास्तव में लियो एंटोनी का बेटा था और हैरोल्ड का भतीजा था, इसीलिए वो लोग अपने बेटे और भतीजे के लिए यहाँ पर आए थे। अब पार्थिबन ने मार्केट में जिन लोगों को मारा था, वो फिर से पार्थिबन की बीवी पर अटैक करने के लिए आए थे। लेकिन उसी समय एंटोनी भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था और वो उनका खात्मा कर देता है। अब एंटोनी सत्या को कहता है कि तुम जिस आदमी के साथ रह रही हो वो मेरा बेटा लियो है और उसने कई खून भी किए हैं। इसलिए अब घर पहुंचने पर सत्या पार्थिबन से लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिबन उसे कहता है कि मैं लियो के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन सत्या को अब पार्थिबन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अब ये चीजें रोज रोज होने लगी थी। इसलिए अब सत्या पार्थिबन की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पार्थिबन को इस बारे में पता चल जाता है और वो काफी नाराज हो जाता है कि उसकी बीवी भी उस पर शक कर रही है। अब पार्थिबन कहता है कि अगर उसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इस तरह पार्थिबन सत्या को पूरा यकीन दिला देता है कि पार्थिबन किसी लियो को नहीं जानता। इतना कुछ होने के बाद इंस्पेक्टर जोशी को भी पार्थिबन पर शक हो जाता है। तो जोशी को पता चलता है कि जेल में एक आदमी है जो पार्थिबन के बारे में बता सकता है और कुछ समय के बाद उसे फांसी की सजा मिलने वाली है। तो जोशी उस आदमी से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाता है और पार्थिबन की फोटो को दिखाकर पूछता है कि क्या ये लियो है। और फिर वो आदमी लियो की एक स्टोरी बताता है कि ये कहानी चेन्नई से शुरू हुई थी, जहां पर तंबाकू की फैक्ट्री हैरोल्ड और एंटोनी चलाया करते थे। और एंटोनी का एक बेटा था लियो, जो बहुत ही निर्दयी किस्म का आदमी था और वो इस काम के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और इस तंबाकू की आड़ में ये लोग कई इलीगल काम भी किया करते थे। और इसी तरह हैरोल्ड भी था, जो केवल शक होने पर भी किसी को भी जान से मार देता था। कुछ समय बाद एंटोनी अपने काम को लेकर अंधविश्वास में फंस जाता है, जिसमें कि एंटोनी पंडितों की बात सुनकर वो जानवरों की बलि दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे एंटोनी इंसानों की बलि देने पर उतर आया, क्योंकि काम बढ़िया से चल रहा था। लेकिन वास्तव में तो कंपनी लियो चला रहा था। अब एंटोनी कई सालों से किसी खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था और एंटोनी का सोचना था कि यदि किसी खास कुंडली वाले व्यक्ति की बलि दी जाए तो उसका बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। और बलि देने के लिए कोई और नहीं बल्कि लियो की बहन अलीसा थी। और हाल फिलहाल में ही लियो के आदमियों ने 2000 किलो का माल बॉर्डर के पार कराया है, इसलिए लियो के साथ उसके आदमी भी पार्टी कर रहे होते हैं। और उसी दौरान इन्हें बेहोश करके बांध दिया जाता है। और जब लियो को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन की बलि दी जाएगी, तो लियो एंटोनी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एंटोनी नहीं मानता। और फिर एक बढ़िया फाइट को दिखाया जाता है। और जब एंटोनी घायल हो जाता है तो एंटोनी अपने छोटे भाई हैरोल्ड को कहता है कि अब तुम इन दोनों को ही मार दो। अब अलीसा और लियो दोनों पूरे गोदाम को आग लगा देते हैं और फिर हैरोल्ड लीसा को पकड़कर उसे चाकू मार देता है। अब लियो हैरोल्ड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंटोनी आ जाता है और वो लियो को भी गोली मार देता है। और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसमें सभी को लगता है कि लियो भी मारा गया। अब कहानी वापस से जोशी पर आती है, जो फिर से उस आदमी को वही फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये आदमी ही लियो है, तो वो मना कर देता है। अब जोशी को भी पूरा यकीन हो जाता है कि पार्थिबन लियो नहीं है। इसके बाद एक बड़े से गुंडों का झुंड पार्थिबन के घर पर आ जाता है और इनमें कोई और नहीं
बल्कि एंटोनी ही आया था। अब एंटोनी फोन पर पार्थिबन को घर से बाहर निकलने को कहता है और जब वो नहीं आता तो एंटोनी कहता है कि तेरा बेटा मेरे पास है, और इतना कहने के बाद एंटोनी वहाँ से चला जाता है। और बेटे को घर पर ना पाने पर पार्थिबन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने गार्ड को लेकर गुंडों को मारने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें पार्थिबन गोली मारकर कई गाड़ियों को पलटा देता है। और आखिर में पार्थिबन एंटोनी से भिड़ जाता है और उसकी अच्छे से धुनाई करता है। दोस्तों, एंटोनी बस ये चाह रहा था कि पार्थिबन किसी भी तरह से ये मान ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थिबन उसे बोल बोल कर थक चुका था कि वो लियो नहीं है। अब पार्थिबन एंटोनी को मार देता है, और यहाँ पर इस लड़ाई में एंटोनी के कुछ और लोग भी मौजूद थे जो यहाँ से जा चुके थे, और उन्हीं के पास सिद्धार्थ यानी पार्थिबन का बेटा था। अब हेरोल्ड को पता चल जाता है कि पार्थिबन ने एंटोनी को मार दिया है। इसके बाद हेरोल्ड पार्थिबन को कॉल करके कहता है कि तू एंटोनी की लाश को लेकर आ और अपने बेटे को लेकर जा। अब पार्थिबन के पास अपने बेटे को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो पार्थिबन चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोल्ड की काफी संख्या में फौज खड़ी हुई थी, और इसके बाद हेरोल्ड भी कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू ये मान ले कि तू ही लियो है। अब यहाँ पर भी पार्थिबन बार बार मना किया जा रहा था कि वो लियो नहीं है, तो इस वजह से हेरोल्ड अपने लोगों को फोन करके पार्थिबन के परिवार को मारने के लिए कह देता है, जो कि उस समय वहीं पर मौजूद थे। लेकिन पार्थिबन ने पहले से ही पूरी प्लानिंग की हुई थी। अब जैसे जैसे ये बदमाश अंदर घुसते हैं, वैसे वैसे वो लोग मरने लगते हैं, क्योंकि पार्थिबन ने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ था, और बचे हुए को दूर बैठा इंस्पेक्टर जोशी भी इनको देखते ही गोली मार दे रहा था, और जो अंदर घुस जाते थे उन्हें पार्थिबन का गार्ड गोली मार देता था। लेकिन जैसे तैसे करके एक आदमी अंदर घुस ही जाता है, जो अब सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए चलता है, तब यहाँ पर वो लकड़बग्घा आ जाता है, जो कि पार्थिबन का पालतू बन गया था। इस वजह से वो लकड़बग्घा उस आदमी को जान से मार देता है। इस वजह से हेरोल्ड को भी गुस्सा आ जाता है। अब हेरोल्ड अपने आदमियों को पार्थिबन को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है, और यहाँ पर पहले तो पार्थिबन के कपड़ों में आग लगा दी जाती है, फिर क्या था, पार्थिबन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पार्थिबन चाकू से लोगों को काटना शुरू कर देता है, और फिर हथौड़े से भी लोगों की हड्डियों को तोड़ना शुरू कर देता है, और आखिर में हेरोल्ड को भी धूल चटाता है, और उससे भी पार्थिबन काफी देर के लिए लड़ता है, और आखिर में पार्थिबन के हाथ में एक गन आ जाती है। और फिर ये देखकर हेरोल्ड कहता है कि मुझे जिस आदमी की तलाश है वो तू नहीं है, लेकिन आखिर में पार्थिबन खुद ही बता देता है कि वो ही लियो है। लेकिन जिसको भी ये बात पता चलेगी कि मैं ही लियो हूँ, उसे मरना पड़ेगा, और इस वजह से लियो अपने चाचा को भी गोली मार देता है और कहता है कि तूने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ा मारा है, लियो को देखना है, लियो को देखना है, और खुद ही फोन करके बुलाया, यानी मेरे पीछे नहीं पड़ता तो ये सब लोग भी जिंदा होते और तू भी मजे कर रहा होता, तो देख लिया ना तूने लियो को। और उसके बाद लियो अपने बेटे सिद्धार्थ को छुड़ा लेता है, और उसके बाद लियो उस पूरे गोदाम को आग लगा देता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पार्थिबन को एक कॉल आती है, जो उसे कॉल पर कहता है कि केवल एक धतूरे की फैक्ट्री जलाने से सभी समस्याएं हल नहीं होंगी, यानी वो व्यक्ति पार्थिबन की असलियत को जानता था जो उसे नाम से पुकार रहा था, यानी कि वो आदमी पार्थिबन के बारे में सब कुछ जानता है। और जिस जगह से ये आदमी बात कर रहा था उसे देखकर लगता है कि मानो ये कोई साइबर सेल से बात कर रहा है, और यहाँ पर कोई एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग हैं, और एक लड़की को छोड़कर बाकी सभी के चेहरों पर नकाब है। फिर पार्थिबन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, और इस तरह ये फिल्म अपने अगले भाग का इशारा करते हुए यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि फिल्म में एक्टिंग, डायलॉग, रोमांस सभी कुछ कूट कूट के भरा हुआ है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 8.0 की रेटिंग दी गई है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। इस फिल्म की अच्छी बात यह है कि ये फिल्म आपको आखिर तक बांधे रखती है, और ये फिल्म आपको संदेश देती है कि जब आम आदमी के परिवार पर बात आ जाए तो वो किसी से भी भिड़ सकता है, और ये बात आपको ये फिल्म देखकर अच्छे से समझ आ जाएगी। इस फिल्म में कुछ सीन बहुत ही कमाल के हैं, जैसे कि लकड़बग्घा वाला सीन, और इस फिल्म में विजय सर की एक्टिंग बाकी सभी कलाकारों पर भारी दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में तो आपने जान लिया। अगर आप हाल ही में आई फिल्म गणपत या फिर जाने जान की कहानी को सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर विजिट कीजिए। वैसे इन कहानियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।